हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटन फोटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊं एस्कॉजर का एक इनविजिबल RFID लॉक। ये एस्कॉजर की तरफ से आने वाला एक हिडन इनविजिबल RFID स्मार्ट लॉक है। ये कैबिनेट्स, ड्रॉर्स या फिर बॉक्सेस में बड़े इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद उसको बिना चाबी के एक्सेस किया जा सकता है। ये किसी भी स्विंग या स्लाइडिंग डोर में लगाया जा सकता है, बस उसकी जो थिकनेस है वो 1 इंच से कम होनी चाहिए। इसके अंदर मेटल का लैच है। ये AAA बैटरीज पे वर्क करता है। इसके अंदर लो बैटरी इंडिकेशन मिलता है और इसकी बैटरीज एक नॉर्मल यूसेज के साथ पूरे 8 महीने तक चलती है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसके अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है डिटेल पैकिंग इस एस्कॉजर के इनविजिबल स्मार्ट लॉक की और ये बहुत ही बेसिक कॉरोगेटेड पैकिंग है। इसके फ्रंट में एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लॉक की फोटोग्राफ बनी हुई है, एस्कॉजर की ब्रांडिंग है और हमें बताते हैं कि इसके अंदर जो ताला है उस पर पूरे 1 साल की वारंटी मिलती है और इस स्टिकर के ऊपर कंपनी का हेल्पलाइन लिखा हुआ है और इसका MRP 6,290 रुपए है, मगर ऑनलाइन ये 2627 रुपए के प्राइस रेंज के साथ मिल जाएगा। यानी 55-60% के डिस्काउंट के साथ ये ऑनलाइन मिलेगा। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इसी टाइप की गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर फोटेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस बॉक्स के अंदर एक यूजर मैनुअल मिलती है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर है। 2 की कार्ड्स मिलते हैं, एक मास्टर कार्ड है और एक यूजर कार्ड है। इस ताले को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्क्रूज और एक्सेसरीज मिलती है। एक स्ट्राइकिंग यूनिट मिलता है जिसके आगे मेटल का लैच लगा हुआ है और एक मिलता है इसका मेन यूनिट जो कि है एस्कॉजर का इनविजिबल RFID स्मार्ट लॉक। तो सबसे पहले इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो ये जो लैच है ये कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है जो कि इसकी लॉकिंग को काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाता है। इसमें 2 होल्स इस तरफ हैं और 2 होल्स बॉटम की तरफ हैं इसको माउंट करने के लिए, तो ये किसी भी ड्रॉअर में टॉप पोजीशन पे या साइड में इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये जो इसका लैच है ये भी मेटल का बना हुआ है और मेटल का लैच काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर होता है और इसका जो डिजाइन है ये इजीली स्ट्राइक आउट होएगा और बहुत इजीली लॉक हो जाएगा। और इसके साइड में 2 पिंस लगी हुई हैं जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये लॉक होने के बाद काफी टाइट रहता है और ओपन होने के बाद स्प्रिंग की वजह से इजीली ओपन हो जाता है। और एक जो इसका RFID सेंसिंग यूनिट है ये कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है, मगर इसके आगे जहां पे लैच स्ट्राइक करेगा वो मेटल का बना हुआ है। इसको भी टॉप और साइड किसी भी पोजिशन पे लगाया जा सकता है। इसका जो लैच है ये 2 तरफ से स्ट्राइक हो सकता है, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी ड्रॉअर के अकॉर्डिंग ये इंस्टॉल किया जा सकता है। इस लॉकिंग यूनिट के साथ एक एक कंपार्टमेंट है जहां पे 4 AAA की बैटरीज लगेंगी जो इसको पावर देंगी और इसके साइड में एक वायर निकल रही है जिसका यूज करके इसको एक डायरेक्ट पावर भी दी जा सकती है। और इसके फ्रंट में ये RFID सेंसिंग यूनिट है, यहीं से ये RFID को सेंस करेगा और ड्रॉअर को अनलॉक करेगा। इस लॉक के साथ ये 2 RFID कार्ड्स मिलते हैं, एक मास्टर कार्ड है और एक यूजर कार्ड है। तो ये जो लॉक है इसके साथ ये 2 RFID कार्ड्स आए थे, एक मास्टर कार्ड है और एक यूजर कार्ड है। इन कार्ड्स का यूज करके इस लॉक को अनलॉक किया जा सकता है और इस मास्टर कार्ड का यूज करके इस लॉक को अनलॉक किया जा सकता है और साथ साथ नए यूजर्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप के मल्टीपल लॉक्स हैं तो एक कार्ड का यूज करके उन सभी लॉक्स को अनलॉक किया जा सकता है। तो मतलब एक कार्ड और मल्टीपल लॉक्स को अनलॉक करेगा, तो मल्टीपल कार्ड्स रखने का झंझट ही नहीं है, एक ही कार्ड से सारे लॉक्स अनलॉक हो जाएंगे। और ये जो लॉक है ये एक इनविजिबल लॉक है, ड्रॉअर के अंदर की तरफ ये लग जाता है और बाहर से पता भी नहीं लगता कि कोई लॉक इस ड्रॉअर के अंदर है या नहीं है। कोई भी की होल या कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें विजिबल नहीं होता, तो ये काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर रहता है। और इस तरीके के RFID कार्ड को जब उस ड्रॉअर पे लगाया जाता है इस लॉक के सामने, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। तो इसका यूज करके उस ड्रॉअर में रखा कोई भी आइटम सेफ और सिक्योर रहता है। तो अब एक बारी इस लॉक के अंदर बैटरीज लगा के आपको इसका एक डेमो देता हूं। तो ये जो एस्कॉजर का स्मार्ट इनविजिबल लॉक है इसको पावर देने के लिए मैंने ये 4 AAA की बैटरीज यूज करी हैं और इसके अलावा इसको पावर देने के लिए एक पॉइंट है, इसका यूज करके इसको कॉन्टिन्यूस पावर भी दी जा सकती है।
इस लॉक को पावर देने के बाद ये लॉक रेडी हो जाता है यूज होने के लिए, और इसके अंदर ये लॉकिंग यूनिट है, और ये जो इसका स्ट्राइकिंग यूनिट है ये जब इसके आगे स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे लॉक हो जाता है। अब इसको अनलॉक करने के लिए इस टाइप के कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कार्ड जैसे ही इसके पास आता है ये अनलॉक हो जाता है और ड्रॉअर ओपन हो जाती है, और उसके कुछ सेकंड्स के बाद ये लैच ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा और ये ड्रॉअर लॉक हो जाएगी। तो ड्रॉअर के अंदर ये लॉक यहाँ से भी लगाया जा सकता है और यहाँ से भी लगाया जा सकता है, तो जैसी भी स्पेस है ड्रॉअर के अंदर उस तरीके से ये सेट किया जा सकता है, और बहुत इजी इसकी इंस्टॉलेशन है और बड़े आराम से ये लॉक और अनलॉक होता है। और अब के इसको यहाँ से लॉक करूँगा और इसके बाद आपको अनलॉक करके दिखाऊँगा। तो ये लॉक हो गया है, और जब भी इसके आगे यहाँ ये कार्ड लगाया जाएगा तो लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और ये जो इसकी स्ट्राइकिंग यूनिट में ये स्प्रिंग वाली क्लिप्स लगी हुई है, इसकी वजह से ये एक झटका मार के ड्रॉअर को ओपन कर देता है। और अब अगर इस लॉक के अंदर जो बैटरीज लगी हुई हैं उनका लेवल काफ़ी कम हो जाता है और ड्रेन आउट होने वाली होती हैं, तो ये सिंगल की बजाय डबल बीप देता है। और अगर बैटरी इसकी पूरी तरह ड्रेन आउट हो जाती है तो ये जो लॉक है ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। और ऐसे मल्टीपल कार्ड्स का यूज करके इस लॉक को अनलॉक किया जा सकता है, या फिर अगर ऐसे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं तो एक कार्ड का यूज करके उन सभी लॉक्स को अनलॉक किया जा सकता है। और इस लॉक के साथ कार्ड की पेयरिंग करना बहुत ज्यादा इजी है, कोई नया कार्ड ऐड करना या कोई एग्जिस्टिंग कार्ड को डिलीट करना बहुत ज्यादा इजी है, अपने आप ही ये किया जा सकता है, किसी ट्रेन प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है इस काम के लिए। तो ये एक इनविजिबल लॉक है, मल्टीपल RFID से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, या फिर एक सिंगल RFID कार्ड के साथ इस तरीके के मल्टीपल लॉक्स को ऑपरेट किया जा सकता है। ये AAA बैटरीज पर तो काम करता ही है, साथ साथ इसको डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस पावर भी दी जा सकती है इस वायर का यूज करके। और अगर इसकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये लॉक अनलॉक हो जाता है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा इजी है, ये किसी भी कैबिनेट ड्रॉअर या वार्डरोब में बड़े इजीली लगाया जा सकता है, बस उसकी जो वुड की थिकनेस है वो 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस लॉक के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं और ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट और सिक्योर है, उसके बाद भी ये सिर्फ 2600 और 2700 रुपए के प्राइस रेंज के साथ ऑनलाइन मिल जाता है। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो ये थी इस एस्कोजर के स्मार्ट इनविजिबल RFID लॉक की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियो जनरल बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो जनरल देखना तो YouTube के ऊपर ग्लिटर फूड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं, ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।